मैं हूं तस्खीर। इस वीडियो में हम देखेंगे विल यू मैरी एन इंडियन बॉय, पाकिस्तानी गर्ल्स रिएक्शन ऑन दिस क्वेश्चन। बहुत सारे इंडिया से लड़के जो है ज्यादातर पाकिस्तानी लड़कियों को पसंद करते हैं, ये सच है, एंड देखेंगे कि क्या आंसर आते हैं उन लड़कियों से। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूँ सना अमजद। आज तो ना मैं कोई पब्लिक रिएक्शन लेकर आई हूँ और ना ही कोई कंपैरिजन, बल्कि आज मैं पाकिस्तानी लड़कियों से एक बहुत मजे का सवाल करने वाली हूँ। मेरी बहुत सारी वीडियोस के नीचे इंडियन बॉयज ये सवाल करते हैं, ये कमेंट करते हैं कि उन्हें पाकिस्तानी लड़कियाँ बहुत पसंद हैं, और अगर वो पाकिस्तानी लड़कियों को शादी के लिए प्रपोज करें तो क्या पाकिस्तानी लड़कियाँ उनका प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगी। तो आइए जानते हैं कि पाकिस्तानी लड़कियाँ इंडियन बॉयज को क्या जवाब देती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? ईशा आसिफ। मेरा नाम निमरा है। अर्शी। मोमिना। सानिया। बतूल फातिमा। क्या करती हो आप? मैं कुछ भी नहीं करती। वेली? यस वेली। यूनिवर्सिटी में क्या कर रही हो? ग्रेजुएशन ऑफ कोर्स इंग्लिश डिपार्टमेंट, बीएस इंग्लिश। फिल्म एंड टीवी कर रही हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से। अर्शी क्या करती हो? मैं एमएससी एफटीवी कर रही हूँ। मैं मैस कम्युनिकेशन करती हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से। मैं स्टूडेंट हूँ। मैं स्टूडेंट हूँ। कहाँ की? पंजाब यूनिवर्सिटी। और शादी का क्या प्लान है? शादी का फिलहाल तो कोई प्लान नहीं है, दूर दूर तक। दूर दूर तक कोई प्लान नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी तो कोई प्लान नहीं है, पर होपफुली 2022 में। कैसा लड़का चाहिए? लड़का ऐसा चाहिए जो कि मेरे जैसा हो, लाइक लिबरल हो, और उसकी सोच मेरे से मैच होती हो। शादी का भी है 1 साल 1.5 साल जितना लगता है, जब टाइम लिखा हुआ है। शौक है शादी का? वैसे पहले था 20 साल में, अभी जरा कम हो गया। पहले लड़कियों में ना बड़ी जल्दी होती थी, फटाफट रिश्ता आ जाए, शादी हो जाए, पढ़ाई से जान छूटे। आजकल की लड़कियाँ काफी बोल्ड हो गई हैं। वो ये कहती हैं कि काम ना करना पड़े, पढ़ना ही पड़े। अच्छा। इसी वजह से वो बोल्ड हो गई हैं। अगर आपको एकदम से किसी इंडियन लड़के का प्रपोजल आ जाता है शादी के लिए, तो कैसे रिएक्ट करोगी? चल निकल। बेचारे को आते ही चल निकल। अगर लड़का अच्छा हो, हैंडसम हो, नॉन मुस्लिम, इंडियन है, मुस्लिम नॉन मुस्लिम का कोई सीन नहीं। आप बताएं आपको क्या डिमांड चाहिए? नहीं, मुस्लिम हो तो फिर सोचा जा सकता है, वरना फिर सॉरी। यानी कि वही चीज, अगर वो आपके लिए इस्लाम कबूल करने को तैयार है तो आप शादी के लिए तैयार हो? यस, मैं तो भाग के शादी कर लूंगा, वो मेरे लिए इस्लाम कबूल करने को तैयार है। यानी अगर लड़का इनके लिए इस्लाम कबूल करता है तो ये भाग के शादी करने को तैयार हो जाएंगी? अगर वो मेरी सोच के साथ मैच करता है, थोड़ा लिबरल होगा, थोड़ा मेरे हिसाब से अंडरस्टैंडिंग मैच करेगी, तो मेरी तरफ से हाँ होगा, लेकिन वो एक सर्टन टाइम के बाद। अगर आपको इंडियन लड़के का प्रपोजल आ जाता है शादी के लिए, तो क्या आप उनसे शादी करेंगे? इंडियन जैसे कुछ खास पसंद नहीं है, ना शक्ल वाइज ना करदार वाइज, लेकिन अगर उनमें से कोई अच्छा निकल आता है, लाइक उसको कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा मोहब्बत हो जाती है मेरे से, और वो कुछ ड्रामेटिक सा कहता है मेरे लिए, फिल्मी सा, तो डेफिनेटली मैं सोच सकती हूँ इस बारे में, लेकिन उसमें भी एक रिलेशनशिप रख के देखूंगी कि यार उसे बन सकती है कि नहीं बन सकती, तो फिर प्रपोजल भी। हाँ, इतनी जल्दी हाँ नहीं, मोस्टली थोड़े नखरे दिखाएंगे। हाँ, नखरे दिखाना तो बनता है, मतलब इंडिया से आया है, मैं पाकिस्तानी हूँ, कुछ तो बनता है ना। अगर आपको इंडियन लड़के से शादी करने का मौका मिले तो क्या करेंगे? मैं पाकिस्तानियों को लिफ्ट नहीं कराती। अच्छा। यानी पाकिस्तानियों को लिफ्ट नहीं करवाई जा रही, इंडियन लड़के तो बड़ी दूर की बात है। नहीं, वो तो डेफिनेटली बिल्कुल नहीं। अगर सोचे दुनिया में पाकिस्तानी लड़के खत्म हो गए, फिर क्या करेंगे? खत्म हो ही नहीं सकते, लाइन लगी हुई। आइडियल लड़का कैसा होना चाहिए? आइडियल लड़का कैसा होना चाहिए? यार, इज्जत करता हो, मोहब्बत करता हो, बस ये दो चीजें काफी हैं जिंदगी निभाने के लिए। लड़की दाग कड़े लगे। अगर आपको इंडियन लड़का ऐसा मिले जो आपसे मोहब्बत करता हो, प्यार करता हो, इज्जत करता हो, तो क्या उसे शादी कर लोगी? यार, ये कैसा सवाल है, पाकिस्तानी मुंडे मर गए ने। सोचो मर गए फिर की करोगे? मर भी गए ना, फिर भी इंडिया वालों से शादी नहीं करनी। अगर इंडिया का रणबीर कपूर है तब भी नहीं? यार, रणवीर कपूर को और लड़कियां काफी हैं, हम क्यों, मतलब बंदा सोच वो रखे ना, खुद बताए ना, सोच वो रखे कि यार, मतलब यहाँ पे जाके छक्का चौका लगेगा, वहीं पे जाके बंदा सोच भी सकता है। अचानक से इंडियन लड़के का रिश्ता आ जाता है तो क्या आप उसे शादी करेंगी? डिपेंड करता है वैसे लड़का कौन है, लेकिन अगर मैयार पे पूरा ना उतरा तो इनकार इनकार इनकार। मेयार क्या है आपका? मेयार कुछ ऐसा है जो एट वंस नहीं पता चल सकता, आप टाइम स्पेंड करते हो साथ तो ही पता चलता है, लाइक केयरिंग, रिस्पेक्ट,
करता हूँ, एजुकेटेड हूँ बस। इंडियन को तो आपने खैर रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। इंडिया के अलावा ऐसी कौन सी कंट्री है जिसे आप प्रेफर करोगे शादी के लिए? यार कोई भी कंट्री, बस हैंडसम होना चाहिए किसी भी कंट्री का हो। अच्छा हाँ, टर्किश वैसे टर्किश हैंडसम पर हैंडसम हो किसी भी कंट्री को चलेगा। फिनलैंड या स्वीडन को प्रेफर करती हूँ बिकॉज मुझे वो कंट्रीज होना बहुत पसंद है, उनकी नेचर की वजह से भी, उनकी स्टडीज की वजह से भी, और बस वो एक ड्रीम रही है मेरा हमेशा से। इसका मतलब है कि आप किसी पैसे वाले लड़के से शादी करने वाले हैं? मैं खुद पैसे वाली हूँ तो ऑब्वियसली आई विल प्रेफर अ पैसे वाला, क्योंकि सुकून जो होता है वो मेरा ख्याल है कि इकोनॉमिकली इंसान स्ट्रांग है तो वो खुश है। अगर इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं है तो सारे मसले वहीं से स्टार्ट होते हैं। आपके घर में खाने का कुछ नहीं है तो आपके घर में मसले हैं, और मसले हैं तो लड़ाइयाँ हैं, और लड़ाइयाँ हैं तो रिलेशनशिप खराब होते हैं। इसके अलावा किस कंट्री को प्रेफरेंस देंगे? तुर्की हो सकता है, मुस्लिम हो बस, कंट्री कोई मैटर नहीं करती, मुस्लिम हो। शादी के लिए यार पाकिस्तान, पाकिस्तान बहुत खूबसूरत जगह है, और यकीन मानिए मेरा कोई ड्रीम भी नहीं है बाहर जाने का। बहुत सी लड़कियों को होता है यार पेरिस जाना, जर्मनी जाना, फ्रांस जाना है, मेरा ऐसा कतन इरादा नहीं है, ना ही मैंने कभी सोचा, ना ही मैंने ये सोचा कि यार अपने हबी के साथ बाहर जाऊंगी। पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, पाकिस्तान में रहूंगी। और शादी के लिए एक सिटी अगर पूछें तो मैं इस्लामाबाद या लाहौर को प्रेफर करूँगी। क्या वजह है बेचारे इंडियन लड़कों को रिजेक्ट करने की? नहीं वजह तो कोई खास नहीं है, लेकिन अगर आउट ऑफ कंट्री आपने जाना ही है तो फिर इंडिया ही क्यों, किसी और साइड पे निकलते हैं ना। किस साइड पे? लाइक यूरोप वगैरह वाली साइड पे या बड़ी सोच, सारी बात है। कहते हैं लड़कियां पैसों पे मरती हैं, तो क्या ये बात सच है? अब गरीब के साथ तो ये ना शादी हो सकती, पैसा होना चाहिए, मतलब इतना ज्यादा भी ना हो, नॉर्मल हो तो फिर इंसान शादी कर ले, गरीब के साथ कैसे शादी करेगा, खाना पीना नहीं है। कितना पैसा होना चाहिए? कोठी गाड़ी बस बस बिजनेस बस बस, जिंदगी गुजर जाएगी इसमें आसानी से, है स्मूथली 80% तक बिल्कुल ये सच है, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग है तो कहीं ना कहीं एक पैसा भी मैटर करता है आपकी लाइफ में, ठीक है। तो मेरा ख्याल है ये भी होना चाहिए। जिन लोगों की सोच बनी हुई है कि लड़की हमेशा पैसे वाले लड़के की तरफ अट्रैक्ट होती है, उन लोगों को आप क्या कहेंगे? होती है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हर कोई अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहता है और हर कोई एक अच्छी लाइफ गुजारना चाहता है, और इसमें कोई बुराई नहीं है। और अगर लड़कियां इस चीज़ को प्रेफर करती हैं तो ऑब्वियसली उनके माँ बाप ने उनको वैसे ही रखा हुआ होता है, तो इसलिए प्रेफर कर रही होती हैं। वो ऐसे तो नहीं किसी के साथ भी मुँह उठा के चल पड़ेंगी। पैसा मैं खुद भी कमा रही हूँ तो ये चीज़ मैटर करती है लाइफ को चलाने के लिए आगे। जाहिर है आजकल जो हालात हैं वो पैसे के साथ इंसान चल रहा है, तो वो जाहिर है वो मैटर करती है, लेकिन इसके अलावा अंडरस्टैंडिंग और केयरिंग वगैरह वो सारा कुछ तो लाजमी है। तो जिसके लिए मैं आऊँगी तो मैं इसे ही एक्सपेक्ट करूँगी, सिर्फ मैं ही हूँ उसके लिए। लड़के कहते हैं लड़कियां हमें चीट करती हैं, लड़कियां कहती हैं लड़के हमें चीट करते हैं, असल में चीटर है कौन? पैसा जोड़ना जरूरी है। आजकल जो है कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है किसी से। पैसा जरूरी है लेकिन पैसा जरूरत नहीं। पैसे को इतना रखा जाए कि वो आपके, सारी बात है खाना पीना पहनना ओढ़ना सब पैसे से ही होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब पैसे को ओढ़ना बिछोना बना लिया जाए। पैसा सब कुछ है, एट लास्ट रहना तो उस बंदे के साथ है, पैसे के साथ नहीं ना रहना। वो लड़के जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, खासकर हमारे ना वीडियोस के नीचे कमेंट आते हैं इंडियन लड़कों के, वो कहते हैं कि जी हमें पाकिस्तानी लड़कियां बहुत पसंद हैं, वो बहुत प्यारी हैं, हम उनसे शादी करना चाहते हैं, तो आप उन लड़कों को क्या मैसेज देना चाहोगी? मुस्कुरा रही है। आप ट्राई कर सकते हैं पर चांसेस बहुत कम है। सॉरी, मैं उन्हें ये कहूंगी कि अगर वो सच में पसंद करते हैं बगैर किसी लालच के या बगैर किसी चीज के, तो वो प्रपोजल भेजे, और अगर उनकी कंपैटिबिलिटी उनके साथ मिलती है, अगर लड़की हाँ करती है तो ठीक है करें, व्हाई नॉट। जो इंडियन लड़के मुझे इस टाइम देखे हैं कहूँगी कि ऐसी कोशिश भी मत करना मुझे प्रपोज करने की, और अगर कर भी दी तो हाँ ठीक है, थोड़ा सा सेशन लगा लेंगे, कुछ सोच लेंगे, लेकिन ना हाँ नहीं होने वाली ये वाला काम नहीं होगा यहाँ से, मतलब बस ना ही समझिए। हाँ ना ही समझो, तो ना ही समझो। अस्सलाम वालेकुम बस, और उनके लिए कुछ भी नहीं। इंडियन लड़के जो पाकिस्तानी लड़कियों से शादी के ख्वाहिशमंद है, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? यार उनको ये पैगाम देना चाहेंगे, सबसे पहले तो हमारा इस्लाम कबूल कर लें, उसके बाद ये वो सोच है जो हर इंसान की होती है, या सबसे पहले हमारा इस्लाम कबूल कर लें, पाकिस्तान में आए, आपकी मोहब्बत को तोलते हैं, फिर देखते हैं कि क्या करना है। जी तो आपने जाने पाकिस्तानी लड़कियों के ख्यालात इंडियन लड़कों के बारे में, जो कि खासे दिल तोड़ने वाले थे, लेकिन आपने इनकी बातों को सीरियस नहीं लेना,
दिल पर नहीं लगाना। उम्मीद है आपने आज की मेरी इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाजत दें, लेकिन जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। वीडियो में सब कुछ सही था, वीडियो अच्छा रहा, एंटरटेनिंग था, अच्छे क्वेश्चंस थे, लेकिन यार एक चीज़ मुझे बड़ी दिल पर लगी कि लड़कों को इतना बुरा बुरा बोला जा रहा है। इंडिया में इतने बुरे लड़के नहीं हैं, मतलब सेम लगा लो आप कि पाकिस्तान में जिस तरह के दिखने वाले लड़के हैं इंडिया में भी हैं, हैंडसम वहाँ पर हैं अगर तो यहाँ पर भी हैं, अगर यहाँ पर कम हैंडसम लोग हैं तो वहाँ पर भी कम हैंडसम लोग हैं, मतलब सब तरह की कैटेगरी वाले लोग हैं कि जाओ निकल लो। इस टाइप के तो बोल नहीं बोलना चाहिए यार, क्योंकि दिल पे लगती है। इतने बुरे भी लड़के नहीं हैं, लड़कियाँ वाकई में पसंद आती हैं इंडियन लड़कों को, इंक्लूडिंग मी। अब ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए कि लड़के इतने बुरे हैं इंडिया के। इंडिया पाकिस्तान का वर्सेस वाला सीन है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि शादी वादी नहीं हो सकती बीच में। यहाँ की लड़की वहाँ जा सकती है, मतलब लड़कियाँ यहाँ की खूबसूरत ले जा सकते हो, वहाँ की लड़कियाँ खूबसूरत दे नहीं सकते। ये कौन सा इंसाफ है भाई। ओवरऑल थोड़ी बहुत बेइज्जती, थोड़ी बहुत सेंसिबल टॉक थी ये, और बहुत सारी चीज़ें इसमें हमें जानने को मिली, व्यूज़ जानने को मिले वहाँ की लड़कियों की। अगर मेजॉरिटी पब्लिक से अगर पूछा जाए, अगर बहुत सारी पब्लिक से पूछा जाए, तो कुछ इस तरह के जवाब इंडिया में भी मिलेंगे, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि ऐसे ही जवाब मिलेंगे, क्योंकि वो जो सोच बन गई है ना वर्सेस वाली, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाली, तो उसका असर कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है। ऑब्वियसली देखने को मिलता है कि इंडिया क्यों जो वर्सेस वाला सीन है वो आ जाता है बीच में। अगर वो चीज़ नहीं होती तो मुझे लगता है कि ये जवाब पॉजिटिव में ज़्यादा कन्वर्ट हो चुके होते अब तक। बाकी आप कमेंट कर बताइए, अगर आप में से जो भी हैं इंडिया में लड़का या लड़की से आप लोग शादी करना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत सही वीडियो आया मुझे देखकर, ऐसे वीडियोज देखने के लिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। कोई भी क्वेश्चन है सजेशन हो कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।